हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमारी पिछली वीडियो में जो है हमने देखा था भारत की मिट्टियों में, भारत की जो मिट्टियाँ हैं हमने पढ़ लिया था, वो कंप्लीट हो चुका था। आप सभी ने, जिसने भी नहीं देखी वो क्लास, तो आप जाकर एक बार भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसे पढ़ लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन कौन से देश जो है साझा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट है आपका कि कुल स्थलीय सीमा जो है भारत की कितनी है। तो भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की जो सीमा है किन किन देशों से लगती है, तो भारत की सीमा जो स्थलीय में 7 देशों से लगती है। वो 7 देश हमने क्रम वाइज यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और चलिए देखते हैं, पहला है बांग्लादेश, बड़े से लेके छोटे तक का क्रम है ये। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, स्थलीय सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है। इसकी जो लंबाई है 4,097 किलोमीटर है। नेक्स्ट है चीन। चीन का जो स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ 3,300 है पाकिस्तान का। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। फिर है नेपाल। नेपाल की जो स्थलीय सीमा है 1,738 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की जो सीमा है 1,643 किलोमीटर लगती है। भूटान की जो सीमा है 699 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा लगने वाला जो स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ वो है आपका अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान का जो स्थलीय सीमा है 106 किलोमीटर लगता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत का वो कौन सा स्थलीय सीमा देश है जिससे क्या है सबसे कम स्थलीय सीमा जो है बनाता है, कौन सा देश है। तो आ जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा साझा करने वाला देश है। तो क्वेश्चन दो टाइप से बनता है, एक आपका पूछेगा सबसे ज्यादा साझा करने वाला कौन सा है, एक पूछेगा आपसे कि सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद पूछेगा सबसे लंबी सीमा किसकी है। तो अभी हमने देखा कि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की लगती है और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की लगती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे लंबी सीमा में हमारा क्या आ जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश ठीक है। उसके बाद है कि जल सीमा साझा करने वाले देश कितने लगते हैं। तो जलीय सीमा साझा करने वाले देश जो है कि भारत के साथ 7 देश हैं, लेकिन इनमें से जो मेन है क्या आपका श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के सबसे करीबी देश हैं जो कि जलीय जो है सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। फिर आपका आता है कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की जो लंबाई है 22,716 किलोमीटर जो है भारत का स्थलीय और जलीय मिलाकर, यानी कि ये आपका हो जाएगा टोटल जलीय और स्थलीय को लेकर 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें अकेला स्थलीय सीमा सिर्फ लगाता है तो स्थलीय सीमा जो है भारत की 15,200 किलोमीटर है। लेकिन वहीं पे देखें अगर तो जलीय सीमा जो लगाता है तो ये है आपका 6,100 किलोमीटर लगता है। ठीक, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 22,716 किलोमीटर कुल मिलाकर आ जाएगा। इतना ये था आपका स्थलीय और जलीय को मिलाकर। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए, जब यहाँ पे द्वीपों को ले लिया जाए, भारत के द्वीप भी तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि भारत के सिर्फ जलीय सीमा है या फिर भारत की स्थलीय सीमा है, भारत के भी अपने द्वीप हैं। तो अगर भारत के द्वीपों की जो है सीमा ले ली जाए, इनके सहित आपका क्या हो जाएगा,
द्वीपों सहित इसका हो जाएगा 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर क्या है, भारत के द्वीपों की जो है सीमा है। इतना हो गया, ये था हमारा कुल अलग अलग लेकर हमने बात की, यानी जलीय सीमा अलग बताया और स्थलीय सीमा आपको अलग बताया, द्वीपों का जो सीमा है अलग बताया। अब बात आती है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 किलोमीटर अपने भारत का जो है पूरा क्षेत्रफल है। तो इतना हमने देख लिया, इसके बाद हम आगे चलते हैं माँ, दोनों यानी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगने वाले कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं, तो वो है आपका भारत से जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाने वाले तीन देश हैं। तीन देश कौन कौन से हैं? पहला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाता है भारत के साथ। फिर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आपका जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगाता है। म्यांमार भी आपका जो है जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगाता है भारत के साथ। भारत का जो है विश्व में कितना भाग है, तो भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% 2.4% क्या है अपना भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल पर। फिर आपका है विश्व में भारत का स्थान क्या है, विश्व में भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है, यानी कि भारत बड़े में सबसे बड़े देश में 7वें नंबर पे आता है। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि जब भारत आपका 7वें स्थान पर है तो फिर पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का आपका कनाडा देश। कनाडा देश ये कहां पर है आपके, उत्तरी अमेरिका या फिर आप उसको उत्तरी महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो कनाडा आपका जो है पहले नंबर पे आता है, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद हमारा भारत, दो ही क्वेश्चन बनता है, या तो फिर आपसे आपके भारत का पूछेगा कि भारत का जो स्थान कितना है, या फिर आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका ये बन जाएगा कनाडा। ओके, फिर क्वेश्चन एक और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, तो पहले क्या था कि भारत अपना जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे था, पहले नंबर पे आपका चीन था, पहले नंबर पे चीन था, सेकंड नंबर पे भारत था। लेकिन आपने प्रेजेंट टाइम का जो डाटा देखा होगा तो भारत की जो जनसंख्या है चीन को पछाड़ चुकी है, यानी भारत की जो जनसंख्या है अब पहले नंबर पे आ गई है, तो चीन आपका दूसरे नंबर पे चल गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि पहले नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश है, तो आपका भारत हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा चीन। तो ये थी आपकी जो है भारत के सीमा के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दिया। तो जो है भारत का जो स्थलीय सीमा, जो मेन मेन पॉइंट्स थे हमने क्लियर कर दिए, और इसके पहले भी मैंने मैप के द्वारा जो है कौन सी रेखा किस देश के साथ लगती है भारत के, ये मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।